अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नफीस आलम और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने चैनल एक इंसान जॉब कंसल्टेंसी पे। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, और जो चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। तहे दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे वीडियो को इतने चाह से और पसंद से देखते हैं, हमारी चैनल वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। दोस्तों हमारे पास जो वैकेंसीज है उसके बारे में बताना चाहता हूँ आपको, उसके लिए आप क्या करना है आपको कि मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन आपको क्या करना है वीडियो लास्ट तक देखना है और जानना है वैकेंसी। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में खुर्शीद का नंबर है, उसको कॉन्टैक्ट करना है, नहीं तो ऑफिस विजिट करना है। सिंपल से भाई ऑफिस विजिट कर लो, काम होगा। फ़ोन पे इंक्वायरी कर करके तो बहुत दिन हो गया, अब तो थोड़ा आगे ऑफिस विजिट करके काम करा लो, ठीक है? तो चलिए शुरू। हमारे पास जो वैकेंसी वो कतर के लिए है, पंप हेल्पर चाहिए, ठीक है? जो पंप हेल्पर है उनकी जो सैलरी होगी 900 कतर रियाल सैलरी मिलेगी, ठीक है? प्लस ओवर टाइम है, प्लस फूड है, ठीक है? खाना भी उसी में, कहने मतलब ये है कि 900 कतर रियाल सैलरी है, प्लस फूड, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल इंश्योरेंस सब कंपनी की तरफ से। 8 घंटे का काम है, 8 घंटे बाद जो भी काम होगा ओवर टाइम में आपको मिलेगा, ठीक है? जो इसकी एज लिमिट चाहिए कम से कम 22 और ज़्यादा से ज़्यादा 36 होनी चाहिए। पासपोर्ट आपका ECNR पासपोर्ट होना चाहिए, ध्यान रखें पासपोर्ट ECNR होना चाहिए। और ये भाई जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर लें। पंप हेल्पर है, अच्छी सैलरी है, और अच्छी सैलरी इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि जो कोई टेक्निकल हैंड नहीं जानते, कुछ काम नहीं जानते, उनके लिए भी मौका है, ठीक है? ऐसा नहीं कि वो एकदम बहुत ही कम पैसे में जाके काम करेंगे। अगर इंडिया में तो 5,000-7,000 इस तरह से कमाते हैं, विदेश आप अगर एक बार आप जाते हैं तो आपका दिमाग खुल जाता है, ठीक है? दिमाग खुलने मतलब कि एक्सपीरियंस हो जाती है, आपको जानकारी हो जाती है, आपको समझ आता है कि हमको कहाँ किस कंट्री में जाना है। थोड़े पैसे स्टार्टिंग में कम मिलते हैं, लेकिन उससे ये फ़ायदा होता है कि हमारी नॉलेज बढ़ती है, हमारा एक्सपीरियंस होता है, काम का जो जानकारी है वो बढ़ता है, हम कुछ सीखते हैं, ठीक है? अगर हम कुछ नहीं जानते हैं, ज़ीरो हैं, वहाँ पे हमारे बगल में एक लग जाता है, तो ज़ीरो का वैल्यू है या बगल में एक लग जाने पर 10 का वैल्यू है, या आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है? इसके लिए मुझे ज़्यादा स्पीच या ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्त जो भाई लोग भी कतर में जाना चाहते हैं जाएँ, ठीक है? आए हमारे ऑफिस, आके ऑफिस आके अप्लाई करें, अप्लाई करके फटाफट निकले, ठीक है? और एक जहन में याद रख लें कि अगर जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट काम करते हैं, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जाना चाहते हैं, तो उनका कम से कम 2 महीना 2.5 महीना 3 महीना तक का प्रोसेस होता है। तो कोई भी अपना काम करते हुए काम को छोड़े नहीं, काम करते हुए ही अप्लाई करें और ऑफिस आके अप्लाई करके अपना काम करते हैं। जैसे आपका वीज़ा वगैरह आ गया, वीज़ा आने के बाद ही 15-20 दिन लग जाता है, 25 दिन लग जाता है, 1 महीना भी लग जाता है, तब अपना आप काम छोड़ के बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, किसी रिश्तेदार में जाके मिल सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ जहन में रखिए कि भाई कि अप्लाई करने के बाद हम घर में बैठ गए ऐसा मत कीजिएगा, अपना काम करते रहिए। अप्लाई करने के बाद जैसे आपका वीज़ा आएगा उसके बाद अपना जो पर्सनल काम वगैरह है वो सब कर लीजिए, ठीक है दोस्त? तो इसी के साथ मैंने पूरी जानकारी दे दी है आपको, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो फिर से आप एक बार देख लीजिए, और कुछ डाउट रहे तो खुशी से कॉल करके पूछ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। बेल आइकन दबाने से आपको ये फ़ायदा होगा फ्यूचर में जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगी हमारी वैकेंसी से लेंगे वो आपको मिलेगी, आप जान सकते हैं कि हमारे पास क्या वैकेंसी है, ठीक है? अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिए, साथ साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो नई वीडियो के साथ, तब तक के अल्लाह हाफ़िज़।